यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वेतन विसंगति को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अनुपालन कराने के लिए मंगलवार को मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ ने जिलाध्यक्ष प्रभा सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। सीएमओ कार्यालय बड़ी संख्या में पहुंची महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपते हुए उन्हें मिठाई भी खिलाई। मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष प्रभा सिंह ने बताया कि वेतन विसंगति के मामले में उच्च न्यायालय ने 2023 में स्पष्ट आदेश दिया था कि सभी स्वास्थ्य कर्मी को 2800 ग्रेड पे वेतनमान और उनकी नियुक्ति तिथि से एरियर का भुगतान 4 माह के अंदर किया जाए। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, जिसे उच्च न्यायालय ने विगत 1 अगस्त 2024 को निरस्त करते हुए पुनः राज्य सरकार को आदेशित किया कि शीघ्र समस्त कार्यकर्ता महिला व पुरुष को 28 ग्रेड पे वेतनमान एवं एरियर का भुगतान नियुक्ति तिथि से किया जाए। उच्च न्यायालय के इस फैसले से हम सब खुश हैं। हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द सभी का भुगतान करे, जिससे हमारी समस्या हल हो। उन्होंने बताया कि हम लोग 2000 से ही लगातार संघर्ष कर रहे थे। इस दौरान मंत्री सुशीला भारद्वाज, रीता देवी, सरिता यादव, ज्योति गौतम, किरण सिंह, सुषमा चौहान, प्रियंका राय, रेणु कन्नौजिया सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहीं। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। मेरा नाम प्रभा सिंह है। मैं जिले की मातृ शिशु महिला कल्याण की अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग जो है बड़े हर्ष के साथ 2800 ग्रेड पे जो है हमारा जो चल रहा था केस में मुकदमा रिव्यू दाखिल किए थे वो जीत गए। उसी की खुशी में हमने मिठाई मिष्ठान का वितरण किया था और आज हम लोग सेमूर साहब के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री को जो है हम लोग पत्र दे रहे हैं कि हम लोगों का जल्दी से ग्रेड पे कर दें और हम लोग जो है संतुष्ट हो जाए, क्योंकि बहुत हम लोगों के साथ हम लोगों ने 2011 से इतना बड़ा दुख झेला है। वहीं हमारी बहनों को 2800 ग्रेड पे मिलता था और हम लोगों को जो है 2000 ग्रेड पे मिलता था। कोर्ट ने हमारी सुनी और हमारा वो कर दिया। तब माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारी बहनों का अतिशीघ्र कल्याण करें और हम लोग उनका आभार प्रकट करेंगे और उनको भी हम लोग जाकर के मिठाई खिलाएंगे, जिस दिन हमारी सारी बहनों